देश का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा राम जन्मभूमि को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाला है, उसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें कार्यक्रमों के माध्यम से देश में देनी शुरू कर दी है। इसमें कन्नौज जनपद के सोरिक नगर में कार्यक्रम में आए ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्डर के प्रवक्ता डॉक्टर यासूब अब्बानी ने कहा कि राम मंदिर पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा वो हमें मंजूर होगा। मंदिर और मस्जिद पर सियासत करने वाले इस बात को भली भांति समझ ले कि हम किसी भी कीमत पर उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय चाहे किसी के पक्ष में हो, फैसला जो भी हो उसे स्वीकार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू और मुसलमानों पर सियासत कर रहे हैं, उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इस मौके पर काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट का जिसके भी पक्ष में आए, हमें भारत की अदलिया पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी अदालत पर सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसको पूरे मुल्क को मानना चाहिए। अगर मुसलमानों के हित में आता है तो हमारे हिंदू भाइयों को सर झुका के तस्लीम करना चाहिए, अगर हिंदुओं के हित में आता है तो मुसलमानों को सर झुका के तस्लीम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, क्योंकि हमें अदलिया पर भरोसा है। जो लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत कर रहे हैं, मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ कोई घंटा बजाने वाला नहीं है, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ कोई अल्लाह अकबर कहने वाला नहीं है। आज मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर कितनी माओं की गोदियाँ उजड़ चुकी हैं, कितने औरतों के सुहाग लुट चुके हैं। कोई पूछने जाता है कि तुम्हारी क्या ईद हुई कि नहीं हुई मुसलमानों से, कोई पूछने जाता है कि इनके यहाँ हिंदू मारे गए हैं, तुम्हारी क्या दीपावली में दिया जला है कि नहीं जला है, सिर्फ सियासत है और कुछ नहीं। कन्नौज से मोनिश तिवारी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।